वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों के बाइस आज मुल्क में गैस नहीं। इमरान खान की हुकूमत को गैस 3 से 60 डॉलर में मिल रही थी, लेकिन उन्होंने माहदे नहीं किए। जुलाई में गैस न होने से लोड शेडिंग में इजाफा होगा। हुकूमत के इतिहादियों ने हुकूमत से राहें जुदा करना शुरू कर दी हैं। MQM, BAP और असलम भुतानी के बाद ANP ने भी शहबाज हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती का कहना है कि हुकूमत जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रही तो ANP को तल्ख फैसले लेना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि कैनेडा को कश्मीर, फलस्तीन और रोहिंग्या समेत दीगर मुसलमान ममालिक में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ नजर नहीं आती। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अंदरून व बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को तकसीम कर दिया है। तारकीन वतन पाकिस्तान का असासा है, इनकी भिजवाई गई तरसीलात जर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर का बड़ा हिस्सा हैं। पाकिस्तान और फ्रांस ने ग्रुप 20 के कर्जा मुअत्तल करने के इकदाम के तहत पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा 107 मिलियन डॉलर के कर्जा को मुअत्तल करने के माहदे पर दस्तखत कर दिए। वाज़ह है कि पाकिस्तान इससे कबल DSSI के तहत फ्रांस के साथ 261 मिलियन डॉलर कर्जा मुअत्तली के माहदों पर दस्तखत कर चुका है। कौमी असम्बली में हुकूमत के खिलाफ धुआंधार तकरीर करने वाले असलम भुतानी और खालिद मक्सी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के लिए बुला लिया। शहबाज शरीफ ने तारिक बशीर चीमा की मौजूदगी में दोनों रहनुमाओं को तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई।